हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ सारी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। तो आज का व्लॉग बहुत ज्यादा मजेदार है क्योंकि आज है 12 रबी अव्वल और हम जो है आज जाएंगे 12 रबी अव्वल की आपको जो है ना सारी तैयारियां शियारियां वगैरह दिखाएंगे और आपको बाजार वगैरह सजे वगैरह दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि आज हमारे प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मुबारक हो आज का दिन जश्न ईद मिलादुन नबी। तो आज का दिन बहुत ही अच्छे तरीके से हम आगाज करते हैं। आज मैं आपको नात वगैरह पढ़ के सुनाऊंगा हजूर पाक की शान में। आपने कमेंट्स में लाभ लेता ना कि आपको नात कैसी लगी। मैं नात शुरू करता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूलल्लाह सलाम अलैका हबीबल्लाह, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है, एक मैं ही नहीं उन पर जमाना है, जो रबे दुआलम का महबूब यगाना है। आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे जहरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल गराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। इज्जत से न मर जाए नामे मोहम्मद पर, इज्जत से न मर जाए नामे मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। ये कह के दरे हक से ली मौत ने कुछ मोहलत, ये कह के दरे हक से ली मौत ने कुछ मोहलत, मिलाद की आमद है महफिल को सजाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, जहरा का वो वाफा है हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान जमाना। तो यार मैंने जो है ना नात पढ़ी है, आपको कैसी लगी मुझे लाजमी कमेंट में आपने बताना है, ठीक है। तो अभी हम जाएंगे बाहर और आपको सारा दिखाएंगे। रात को हम सारी लग के ना हमने गली वगैरह सजाई थी, तो आप लोगों को गली वगैरह भी दिखाऊंगा कि कैसी सजाई थी हमने। हमने सिर्फ ना लाइटें वगैरह लगाई थी तो और कुछ नहीं किया था। तो लाइटें वगैरह दिखाएंगे कि आपको कैसी लगी। एंड शर्जील भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत मुबारक हो। और आप भी कहना चाहेंगे कुछ? आपको भी मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। सो अभी हम बाहर जाएंगे और आपको सारी जो है ना गलियाँ वगैरह और बाजार वगैरह सजे हुए दिखाएंगे और पहाड़ियाँ भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे हमारे वाली साइड पे पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत बनाई जाती हैं। और रात को शुरू होते हैं लोग और तकरीबन 4-5 बजे तक ना कंप्लीट कर लेते हैं असर के बाद।
तो हम वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि इस टाइम जो असर का टाइम हो गया है, तो नमाज वगैरह पढ़ के ना फिर मैं आपको दिखाता हूँ। Few moments later. भाई रोहन, मैं जो है ना अभी एक दोस्त के घर आया, वहाँ पे लंगर वगैरह चल रहा है, तो लंगर पैक करा रहा हूँ, तो लंगर पैक करा के ना मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखो जी, आप ये देखें, ये हैं सर, ये सर तज़ीम तज़ीम भाई हैं, ये रोहन भाई हैं, ये मतीन भाई हैं, और ये शजीर भाई जैसा कि आप जानते हैं, और ये हैं हसन भाई, इनको आप जानते हैं, और आप मुझे जानते हैं जैसा कि मैं अब्बास। तो आपको मैं लंगर पैक कराने के बाद किस तरह सजी हुई थी गलियां वगैरह। वीडियो फास्ट हो गई थी, मैंने ना टाइम लैप से वीडियो बना ली थी, मैंने ना कहा कि ना इतनी ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं स्लो भी बनाता हूँ, तो मैंने कहा टाइम लैप से बना लिया, टाइम लैप से मैंने वीडियो बना लिया, एंड थोड़ा बहुत जो है ना मैं रिकॉर्ड करता रहा। उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने आके दोबारा वीडियो देखी, तो वो बहुत ही ज्यादा फास्ट बन गई थी, तो मैंने कहा इसको ना थोड़ा बहुत मैं कर लूंगा एडिटिंग वगैरह में देख दूँ, कि जो है पहाड़ियाँ वगैरह भी इतनी ज्यादा नहीं थी, वो दो या तीन पहाड़ियाँ ही हैं, ठीक है वही बनी हुई थी, क्योंकि इस बार लोगों ने पहाड़ियाँ वगैरह बिल्कुल ही नहीं, वो बस जो है ना इस बार ज्यादा लोग उन्होंने जो फोकस किया वो था लंगर वगैरह पे, यानी कि खाना बांटते हैं ना उस पे लोगों ने ज्यादा फोकस किया था। उम्मीद है तो आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर तो अच्छा लगा आप लोग तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करना है, और बेल आइकन को भी लाजमी आपने ऑल पे रखना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चैलेंजिंग वीडियोज के साथ, चैलेंजिंग वीडियोज भी आपको जल्दी जल्दी आने वाली, बस इंतजार करो, बस जल्दी जल्दी आने लगी है, और वो बहुत ही ज्यादा मजेदार है, और आपको व्लॉगिंग के साथ अगला व्लॉग भी आएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, सी यू, अल्लाह।